विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हमीरपुर पुलिस ने भी कमर कस ली है और चुनावों में मुस्तैदी से काम करने के लिए मासिक क्राइम बैठक में रणनीति बनाई गई। वहीं बढ़ रही चोरियों पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए भी ठोस खाका तैयार किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने की। बैठक में डीएसपी रेणु कुमारी के अलावा जिला के पांचों थानों के एसएचओ मौजूद रहे। एसपी रमन कुमार मीणा का कहना है कि मासिक क्राइम बैठक में जिला की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने पर भी विचार किया गया तथा चुनावों के नजदीक होने पर कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए रणनीति तैयार की गई। उन्होंने बताया कि जिला में बढ़ रही चोरियों को रोकने के लिए भी खाका तैयार कर कार्रवाई करने के लिए थाना अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें पूरे जिले में क्राइम से संबंधित जितने भी हमारे मुद्दे हैं, वेलफेयर को लेकर के मुद्दे हैं और आगामी चुनावों को ध्यान रखते हुए इसमें चर्चा की गई। जो केसेस चले आ रहे हैं पेंडिंग, उनको जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया गया। उसके अलावा जो चोरी के मामले हैं, रैंडम केस के मामले हैं, उनको वर्कआउट करने का निर्देश भी एसएचओ को दिया गया है। और इसमें जो आगामी मीटिंग होगी उसमें आज की मीटिंग में दिए गए निर्देशों की पालना कितनी हुई है वो फीडबैक लिया जाएगा। चौक में कल जो अवैध पार्किंग होती है, जो लोग वहां पर अपने वाहन खड़े रखते हैं, तो उनका 50 से ज्यादा चालान एक साथ एक घंटे के अंदर किए गए। और ये जो हमारी मुहिम है इसको हम आगे भी जारी रखेंगे, ना सिर्फ गांधी चौक हमीरपुर के बाजार में बल्कि इसको हम सभी जितने भी कस्बे हैं जहां ये समस्या सामने आ रही है वहां पर इसको हम चलाएंगे और ये सरप्राइज की तरह ये चेकिंग की जाएगी।